हेलो फ्रेंड, देव ऑनलाइन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रुक जाना नहीं, हुई ना 2020 के 12th क्लास के माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप कैसे और कहां से अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के बिना स्किप किए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसे भी ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में गूगल ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा। यहाँ पर आप सर्च करेंगे mpsos.nic.in, इतना आपको जो है गूगल पर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप mpsos की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे। अब आपको जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए जो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको मैं जूम करके दिखा देते हैं हम आपको, तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक कलर में यहाँ पर आपको शो करेगी, देख सकते हैं। यहाँ पर रुक जाना नहीं योजना एग्जाम क्लास 12th माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं माइग्रेशन डाउनलोड करने के लिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर लॉग इन पेज आ जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिखाई देगा रुक जाना नहीं हुई ना 2020। अब आपको जो है यहाँ पर अपना 12th क्लास का जो एमपी बोर्ड का रोल नंबर है या फिर रुक जाना नहीं हुई ना का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा, और यहाँ पर आपको लॉग इन बटन पर क्लिक कर देना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए। तो जैसे ही आप इस पर जो है क्लिक करेंगे, तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं क्या ओपन होगा आपके सामने। तो जैसे ही आप अपना रोल नंबर और वहां पर लॉगिन करेंगे डालकर, तो आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर देख सकते हैं RJNY Part 1 अगस्त 2020। इसके बाद यहां पर आपका सर्टिफिकेट नंबर रहेगा। यहां पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड, स्टेट ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड भोपाल। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखा होगा, देख सकते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर शो करेगा, तो हमने यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए हाइड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, यहाँ पर आपको फादर्स नेम देखने को मिल जाएगा। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी डिवीजन बनी होगी पास इन फर्स्ट डिवीजन, तो आप देख सकते हैं इनका फर्स्ट डिवीजन बना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 12th क्लास रुक जाना नहीं योजना में। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाएगी जो यहाँ पर रिजल्ट की, यहाँ पर 2 दिन बाद जो है 26/9/2020, तो 2 दिन बाद जो है यहाँ पर जो है रिजल्ट के 2 दिन बाद यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो चुके हैं। तो यानी कि 24 सितंबर को जो है यहाँ पर रिजल्ट आया था और 26 सितंबर को जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो चुके थे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर MPSOS बोर्ड के जो यहाँ पर डायरेक्टर हैं उनके सिग्नेचर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको नोट में लिखा हुआ है कि ये वेरीफाई है बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा आप जो है इसे चेक भी कर सकते हैं MPSOS वेबसाइट से यदि आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप अपना जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स के साथ हमने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी जरूर पसंद आएगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अपना सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड कर सकें। तो फ्रेंड, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसे भी ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। जय हिंद।